नमस्कार, वीटीवी न्यूज में आपनु स्वागत छे। समाचार साथे हूं छु नेहा। समाचार नी शुरुआत करिए। वडोदरा में ड्रग्स फेक्टरी झड़पावा मामले मोटो खुलासो थयो छे। सिंध रोड में ड्रग्स फेक्टरी मामले एटीएस ना तपास में खुलासो थयो छे। आरोपीओए 100 किलो ड्रग्स मुंबई मोकल्यू होवानु बहार आव्यु छे। समग्र रेकेट ना मुख्य सूत्रधार सौमिल पाठके कबूलात करी जत्थो क्या मोकल्यो ते दिशा में एटीएसे तपास हाथ धरी छे। सलीम डोसा, योगेश तड़वी, महेश जोशी, अहमद नामना आरोपी फरार छे। ईटीएसे फरार आरोपीओना आश्रय स्थानों पर दरोड़ा पाड्या छे ने तमाम नी शोधखोळ हवे हाथ धरवामां आवी छे। तो 100 किलो ड्रग्स मुंबई मोकल्यू होवानो सौथी मोटो आ खुलासो थयो छे। सिंध रोड में ड्रग्स फेक्टरी झड़पाई हती, जेने लईने ईटीएसे तपास हाथ धरी छे। संवाददाता मानु चावड़ा फोन लाइन पर जोड़ाया छे। मानु, जे प्रकारे वडोदरा में ड्रग्स फेक्टरी झड़पाई हती, एक बाद एक हवे नवा खुलासा थई रह्या छे। फेक्टरी मामले एटीएसे अनेक तपास में खुलासा कर्या छे, शुं विगत? नेहा, सिंधरोड पासे जे ड्रग्स बनावती फेक्टरी पकड़ायेली अने त्यारबाद 5 आरोपीओनी धरपकड़ करवामां आवेली। ए पैकी जे मुख्य सूत्रधार छे सौमिल पाठकनी जे पूछपरछ करवामां आवी अने एमां मोटो खुलासो थई रह्यो छे के आ आरोपीओए 100 किलो ड्रग्स मुंबई मोकल्यू हतुं। मुंबई कोने मोकल्यू हतुं ए तमाम दिशामां अत्यारे पोलीस तपास करी रही छे। आखा केस नो मुख्य सूत्रधार जे सौमिल छे एनी साथेथी आ विगत मळी रही छे। एटीएसे मुंबई तरफ पण तपासनो रेलो छे लंबाव्यो छे, कारण के मुंबई कोने अने कया कया एमां लोको संडोवायेला छे ए दिशामां पण तपास करवामां आवी रही छे। आ गुनामां सलीम डोसा, योगेश तड़वी, महेश जोशी अने अहमद नामना जे आरोपी छे हजी फरार छे, एमनी शोधखोळ माटे पण विविध एमना आश्रय स्थानो छे त्यां एटीएसे दरोडा पाड्या छे अने अत्यारे एटीएसे आमां वधारे तपास करी अने अन्य मोटा खुलासा करे एवी पण अत्यार शक्यताओ जोवाई रही छे। जी, बिल्कुल मानु, जानकारी बदल आपनो आभार।